बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, आज की रेसिपी मेरी तरफ से उन माओं के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है जिनके बच्चे आयरन की कमी का शिकार हैं, जिन्हें डॉक्टर कलेजी सजेस्ट करते हैं और वो कलेजी इसकी मखसूस महक की वजह से नहीं खाते। कलेजी को किस तरह बनाएं कि ये नाखुशगवार सी महक दूर हो जाए और बच्चे इसको शौक से खाएं। बच्चों को कलेजी का ये मज़ेदार सा सालन हफ्ते में कितनी बार खिलाएं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। इंतहाई कम मसालों में बनने वाली ये रेसिपी ना सिर्फ बच्चे इंजॉय करेंगे बल्कि घर के दूसरे लोग भी इसको बहुत इंजॉय करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने तकरीबन आधा किलो चिकन की कलेजी लेनी है और इसको 4 टेबलस्पून दही डालकर हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। तो जी, दही हमने डाल दी है, इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी, तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं ताकि दही हर तरफ से कलेजी पे लग जाए। इसके बाद जिस चीज़ की बारी आती है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे ये है कि कलेजी की एक नाखुशगवार सी जो बू है इससे दूर हो जाएगी। हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है और इसमें से एक चुटकी हमने कलेजी में डाल देना है मैरिनेट करने के लिए और बाकी रख देना है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इससे यह है कि कलेजी की नाखुशगवार सी बू भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा सा जायका भी आ जाएगा। दूसरी तरफ हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लेना है, इसको धोकर इसका छिलका उतार कर छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेना है और इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इसके बाद हमने थोड़े से ऑयल में इन प्याज़ों को हमने फ्राई करना है और इनको ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। जब ये ब्राउन हो जाए तो जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बचा कर रखा था 1 टेबलस्पून, वो हमने इसमें ऐड कर लेना है और इस वक्त तक भूनना है जब तक इसमें खूबसूरत सी खुशबू ना आने लग जाए भूनने की। तो इसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। तकरीबन एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने लिया था और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी पकाई करनी है। तो जब ये पानी छोड़ने लगे तो इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डालकर इसकी पकाई करनी है। नमक से यह है कि टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। आंच मीडियम ही रखनी है, मीडियम आंच पे इसको पकाना है। बहुत तेज़ आंच पे मसाला बहुत जल्दी जल जाता है और एक नाखुशगवार सी बू छोड़ जाता है। तो जी, इसको इसी तरह से हमने पका लेना है और फिर हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको दम दे देना है। जी, तो 5 मिनट बाद देखें बहुत अच्छी तरह नमक में ये गल गए हैं टमाटर और हमने यूँ चम्मच से इसको मैश भी करना है। जो टमाटर बाकी हैं वो भी उनका भी पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भूनना है ताकि टमाटरों में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो बिल्कुल पेस्ट सा बन जाए। अच्छा, तो ये जो सालन है ये आप हफ्ते में 2 बार बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। चिकन की कलेजी में जिंक और आयरन की एक बहुत बड़ी मिकदार होती है जो बच्चों की नशोनुमा में इनकी ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और अगर आपके बच्चे सेहतमंद हैं तो भी इनको ये चीज़ें बनाकर ज़रूर खिलाया करें, इंशाल्लाह उनकी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और कोशिश किया करें कि इन्हें घर में बना के चीज़ें दें, बाहर की चीज़ें इन्हें ना खिलाएं। तो चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। माशाल्लाह ये टमाटरों की बहुत अच्छी सी भुनाई हो चुकी है और अब हमने क्या करना है, इसमें मसाले ऐड करने की बारी आती है। तो मसालों में इसमें इतने लंबे चौड़े मसाले नहीं जाएंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड होगी। हल्दी ऐड करने के बाद हमने थोड़ी सी पकाई करनी है और इसके बाद कलेजी जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी दही के साथ वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। तो कलेजी ऐड करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है क्योंकि हाई फ्लेम पे कलेजी बहुत जल्दी सख्त हो जाती है और फिर बच्चे इसको चबा नहीं सकेंगे। तो कलेजी को हमने नरम रखना है, नरम रखने के लिए हमने दही ऐड की है। तो इंशाल्लाह इससे कलेजी बहुत नरम बनेंगी और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो इसको हम जी मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं। तो माशाल्लाह दही ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये है कि इसकी पकाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तो जी माशाल्लाह से ये जो है इसकी पकाई शुरू हो चुकी है और जैसे ही पकाई शुरू होगी इसकी तो हमने ढक्कन बंद करके इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हमने कुक करना है लो फ्लेम पर। तो जी अब देखें माशाल्लाह दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और कलेजी भी अब पकने लग गई है। तो इसको हमने इसी तरह से कुक करते जाना है ताकि कलेजी बहुत अच्छी तरह से पक जाए। ये कलेजी होती तो नरम है लेकिन इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। कलेजी कच्ची नहीं होनी चाहिए वरना इसके बेनिफिट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं।
तो इसी तरह से हमने इसको पकाते रहना है। और अब जब पकने की खुशबू आने लगे तो हमने इसमें काली मिर्च हाफ टी स्पून ऐड कर देना है। हमने पहले ऐड नहीं की थी, इससे कलेजी का रंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता, ब्लैकिश टाइप चली जाती, देखने में अच्छी ना लगती। तो हमने ढक्कन बंद कर देना है और इसको पकाना है ताकि जायका ऐड हो जाए मिर्च का। इसके बाद हमने कलौंजी खुशबू के लिए इसमें ऐड कर देनी है और जायके के लिए। और इसके बाद हमने हरा धनिया इसमें ऐड करना है खूबसूरती के लिए, खुशबू के लिए और जायके के लिए। कलेजी के सालन में मज़ीद खूबसूरत सी खुशबू ऐड करने के लिए हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और दम दे देंगे ताकि खुशबू हर तरह से फैल जाए। इसके बाद जो है हमारा सालन बन के तैयार है, बहुत मज़ेदार, बहुत खूबसूरत, इंतहाई कम मसालों में, कम मिर्च के साथ ये सालन हमारा बन के तैयार है। तो चैलेंज डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी रंगत, बहुत अच्छा सा जायका और बहुत अच्छी सी खुशबू वाला ये सालन बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है आप बच्चों के लिए इसे ज़रूर बनाएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।